आगरा में भीमनगरी की रजत जयंती के शुभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया। भीमनगरी के कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया। मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में 14 अप्रैल को भीम नगरी का आयोजन सबसे बड़ा होता है। इस मौके पर भीम राव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का हम संकल्प लेते हैं। इस मौके पर भीम नगरी से जुड़े लोग और बीजेपी के विधायक समेत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयबान और जीएस धर्मेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शाहीनबाग में चल रहे धरने को लेकर कहा कि ये वही लोग हैं जो देश और प्रदेश में अराजकता करना चाहते हैं। देखिए, पत्रकारों पर हमला करने से साफ हो गया है कि ये शाहीन बाग में कोई बहुत लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रख करके आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। या वही लोग हैं जो पूरी तरह से अराजकता फैलाने का काम उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे, देश में करना चाहते थे।